हेलो, कैसे हैं आप सब? ये सवाल पूछना शायद ठीक नहीं होगा अभी इस वक्त, क्योंकि सभी घरों में कैद हैं। कुछ लोगों का दोस्तों के पास जाने को मन कर रहा होगा, किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना खाने का मन कर रहा होगा, पर सभी कैद हैं इस वक्त घर में, तो उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते। पर खाली बैठा था तो कुछ ऐसे ही लिखा मैंने, और सोचा कि रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करूँ। जो लोग अपने शहरों से बहुत प्यार करते हैं, अपने जन्म स्थान, अपने जहाँ पे वो पले बड़े हैं, वहाँ से बहुत प्यार करते हैं, तो वो लोग इन शब्दों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब समझेंगे। पोइट्री नहीं बोलूँगा, पोइट्री बिल्कुल नहीं है, बस कुछ शब्द हैं जो ऐसे दिमाग में आए, मैंने लिख दिए और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कि कुछ इस तरह से होंगे कि पालिका की याद आ रही है, पालिका की याद आ रही है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। पालिका की याद आ रही है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। 1 घंटे तक घूमने के बाद कुछ ना खरीदने को मन कर रहा है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। पिंड बलूची के पास खड़ा हूँ, तू रोड क्रॉस करके आ जा। पिंड बलूची के पास खड़ा हूँ, तू रोड क्रॉस करके आ जा। फोन पे दोस्त को ऐसा बोलने को मन कर रहा है, उसके आ जाने पर गाली देकर 1 घंटे से तेरा बाप यहाँ इंतजार कर रहा है, ऐसा बोलकर उसकी किलसाने को मन कर रहा है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। वो चोर बाजार के जूते वो लाजपत नगर का बर्गर, वो मंडी हाउस की चाय, वो हाउस खास की बियर फिर से पीने को मन कर रहा है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। वो बस के लाजवाब धक्के वो टिकट चेकर का दोनों तरफ से घेर लेना, वो मेट्रो के इंटरचेंज, वो उसकी सीट को एक तरफा मोहब्बत की तरह घूरना, वो एलिवेटर्स के ब्रश में फिर से जूते साफ करने को मन कर रहा है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। वो 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ऐसा बोलकर बॉस को गोली देने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों पर आज साला आईटीओ के जाम में फंसने का मन कर रहा है। लाल बत्ती तोड़ना गलत है माना, पर आज साला चालान कटवाने को मन कर रहा है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। GIP पे 8 का शो कबीर भैया और प्रीति भाभी की स्टोरी को फिर से देखने का मन कर रहा है। तू मुझे गूगल पे कर दे, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, ऐसा दोस्तों को बोलने का मन कर रहा है। कालिंदी की चाय की टपरी पे दोस्तों के बीच सुट्टों की अगुवाई करने का मन कर रहा है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। इस लॉकडाउन में हमको कितना कुछ सीखने को मिला ना, तो उसी के ऊपर है कि इस लॉकडाउन ने हमको कितना कुछ सिखा दिया। कितने बौने हैं हम प्रकृति के आगे, हमारी औकात को हमें दिखा दिया। अब साला मोदी जी से हर महीने एक हफ्ते का लॉकडाउन करवाने को मन कर रहा है, गेट नंबर 7 से निकलने को मन कर रहा है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, इनबॉक्स कर देना अगर ज्यादा गंदी लगी हो तो। पीस आउट, और अपने परिवार का ख्याल रखें, और क्या, बस लॉकडाउन का पालन करें। शुक्रिया।